अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो गाइस, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों ने डिजिटल क्लॉक को अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में किस तरह यूज़ करना है और इंस्टॉल किस तरह करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उधर से जाके आप डिजिटल क्लॉक को जाके डाउनलोड कर ले। तो उसके बाद आपको जाना है डाउनलोड्स में, कंप्रेस्ड में। आपको इस तरह की एक कंप्रेस्ड फाइल मिली कि आपने इसको एक्सट्रैक्ट कर देना है। तो आपने अब इसको डबल क्लिक करके इंस्टॉल करना है। ये मैंने डबल क्लिक किया और अब ये इंस्टॉल कर रहा है, ठीक है। इंस्टॉल करने के बाद, होने के बाद आपने करना क्या है, आप कह रहे होंगे कि बाहर कोई आइकन नहीं शो हुआ। आपने सिंपली करना क्या है, दिस पीसी में जाना है, लोकल डिस्क सी, प्रोग्राम फाइल्स, और निक क्रोटिश वाले फोल्डर में आपने जाना है। इसके अंदर डिजिटल क्लॉक वाले फोल्डर में, और आपके सामने ये डिजिटल क्लॉक की एप्लीकेशन आएगी। इस पर आपने राइट क्लिक करना है और सेंड टू डेस्कटॉप कर देना है। तो ये आपके डेस्कटॉप पे भेज देगा इसको। अब आपने इसको डबल क्लिक करना है ताकि एक्टिवेट हो जाए। ये देखिए एक्टिवेट हो गया। आपने सिंपली करना है कि राइट क्लिक करना है इसके ऊपर और सेटिंग्स में चल जाना है। तो ये आपके सामने सेटिंग्स शो हो जाएगी। आपके पास और मल्टीपल ऑप्शन है अपडेट करने के, अबाउट पोजिशन, इस तरह क्विट करने के भी है, तो आप कर सकते हैं। मैं अभी फ़िलहाल आपको सेटिंग्स में लेके जाता हूँ। तो इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा सेटिंग्स है, ओपेसिटी है, जूम, स्टे ऑन टॉप, ट्रांसपेरेंट फॉर माउस, सेपरेटर, फ्लैशेस, ये सारा कुछ अभी मैं आपको बताता हूँ। स्टे ऑन टॉप क्या है? स्टे ऑन टॉप से ये होता है कि अब मैं इस पर क्लिक करूँगा और ये देखिए जब भी मैं विंडो खोलूँगा उसके ऊपर एक क्लॉक शो होगा, बेशक मैं कोई वीडियो ही चला रही। ये देखिए मैंने ये खोला, शो हो रहा है, ठीक है। तो ये स्टे और टॉप है। अगर आप करना चाहते हो तो कर, नहीं करना चाहते तो ना करें, ये आपकी मर्जी है। तो गाइस, अब मैं आपको ट्रांसपेरेंट फॉर माउस के बारे में बता रहा हूँ कि ये देखिए, अगर ट्रांसपेरेंट फॉर माउस पे टिक नहीं लगा तो आप इसको मूव करके कहीं पे भी सेट कर सकते हैं। अब देखिए मैं यहाँ पे सेट अगर इसको करूँ और इस पर क्लिक करूँ, अब मैं इसको मूव करने की कोशिश करूँ, ये देखिए आप बेशक राइट क्लिक करिए या लेफ्ट, मूव नहीं होगा। तो अगर आप इसको सेट करना चाहते हैं तो इसको हटा के आप कहीं भी कर सकते हैं, और फिर इस पर टिक लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। उसके बाद ओपेसिटी क्या होती है? ओपेसिटी होती है विजिबिलिटी। अब देखिए मैं इसको कम करूँगा तो ये देखिए धुंधला हो रहा है, कम इसकी विजिबिलिटी हो रही है अभी, ये देखें। और जब मैं बढ़ा रहा हूँ तो ये देखें इसकी ओपेसिटी बढ़ती जा रही है। और ज़ूम क्या है? इसके अंदर बड़ा छोटा करने के लिए ज़ूम काम आता है। तो ये देखें, अब मैं ज़्यादा ज़ूम कर रहा हूँ तो ये काफ़ी बड़ा हो गया, अगर मैं ज़्यादा छोटा करूँगा तो काफ़ी छोटा है। देखें, आपको यकीनन दिख रहा होगा सही तरह, क्लियर से क्लियरली दिख रहा होगा आपको। ये देखें, मैं बड़ा कर रहा हूँ तो बड़ा हो रहा है, छोटा हो रहा है, छोटा कर रहा हूँ तो छोटा हो रहा है, ठीक है। तो इसके बारे में भी आपको समझ लगी होगी। स्किन की तरफ आते हैं। यू स्किन में आपको बहुत ज़्यादा फॉन्ट्स मिल जाते हैं इसके अपने, जैसे क्रिसमस, न्यू ईयर, रेड। रुको मैं यहाँ से नन पे कर दें, या करें अगर आपको इसका ओरिजिनल फॉन्ट का कलर चाहिए तो इस तरह कर दिए। देखें कितना खूबसूरत है। ये देखें, ब्लू में भी आप करेंगे तो ये देखें क्रिसमस ब्लू आ जाएगा। और भी बहुत ज़्यादा फॉन्ट्स हैं, ये देखें इलेक्ट्रॉनिक डिफ़ॉल्ट, उस तरह के बहुत ज़्यादा फॉन्ट्स हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। और आप यहाँ से भी अपना कस्टम फॉन्ट, मतलब कि इसका अपना कस्टम फॉन्ट भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखें बहुत ज़्यादा ऑप्शन हैं फॉन्ट्स यूज़ करने के, बोल्ड करना है, रेगुलर करना है, साइज़ कितना रखना है, तो ये आप खुद ही कर लोगे। मैं इसको यूज़ स्किन पर कर रहा हूँ। स्किन कस्टमाइजेशन में अगर आप नन पे क्लिक करेंगे और जो भी आप फॉन्ट लेंगे उसका ओरिजिनल कलर आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। अगर आप चेंज स्ट्रक्चर पे क्लिक करते हैं और मैं यहाँ से क्या कहते हैं सॉलिड कलर पे टिक लगा के आपको कोई कलर लेके देता हूँ, ये देखें जैसे कि मैं ये ले लिया डार्क रेड, तो ये देखें डार्क रेड कर देगा आपको। अगर कोई भी चीज़, मतलब कि कस्टम क्या कहते हैं, कोई सा भी कलर अगर आपको लेना है तो पहले उस पर टिक लगना चाहिए, मतलब कि यहाँ पर आपको क्लिक करना चाहिए। अब मैं आपको कस्टम इमेज पे दिखाता हूँ, ये देखिए मैं इस पर क्लिक करूँगा। डिजिटल क्लॉक आपको बहुत ज़्यादा टेक्सचर्स दे देगा, बैकग्राउंड्स दे देगा, ठीक है। तो आप यहाँ से कोई सा भी सिलेक्ट कर सकते, तकरीबन 200 टॉप तक के हैं ये, तो आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। ये मैं मिसाल के तौर पर ये ले लेता हूँ, ये देखिए हो जाएगा। रुको मैं ज़रा स्टील वाला ले कर आपको दिखाता हूँ, उस पर सही लिखता है। ये देखें, मैं यहाँ से दूसरा लेता हूँ और ये वाला ले लेता हूँ, तो ये देखें इस तरह का, मतलब कि बैकग्राउंड इसके ऊपर लग जाएगा।
तो अब कलराइज पे अगर आप जाएं तो ये देखें जिस तरह नन पे था ये थोड़ा शाइनी शाइनी, अगर आप कलराइज पे क्लिक करें तो उसकी तरह ही का कलर लेके आएगा लेकिन शाइन लेके आएगा। कोई सा भी अगर आप फॉन्ट यूज़ करें तो उसके ऊपर ये देखें, मैं क्रिसमस न्यू ईयर रेड ले आया हूँ, देखो उसके एलिमेंट्स तो लगे हुए हैं और थोड़ी थोड़ी शाइन भी आ रही है। इस तरह करके आप कोई सा भी ले सकते हैं। मैं स्टील लेना चाहता हूँ। ओके अब ये देखें आप कोई सा भी यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं कलर अपने हिसाब से। मैं ब्लू लेता हूँ तो ये देखें थोड़ा पर्पल टाइप हो गया। इस तरह के आप ये कलराइज यहाँ से कम भी कर सकते हैं। ये देखें बिल्कुल नॉर्मल कलर में कन्वर्ट हो गया। अगर आप थोड़ा थोड़ा करेंगे ये देखो थोड़ा सा, तो अगर फुल करेंगे तो फुल हो जाएगा। बैकग्राउंड अगर आप इसका रखना चाहते हैं तो आपने सिंपली करना क्या है, यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ से बैकग्राउंड का कोई सा भी कलर आपने सेलेक्ट कर लेना है। ये देखें रेड सेलेक्ट किया तो ये हो गया, ब्लू सेलेक्ट किया तो बैकग्राउंड ब्लू हो गया। तो मैं इसको डिसेबल कर देता हूँ। अब चलते हैं मिस्क की तरफ। मिस्क में आपको और फंक्शंस मिल जाते हैं, कुछ मतलब के काम के हैं कुछ काम के नहीं हैं, आपके लिए काम के हो सकते हैं मेरे लिए इतने काम के नहीं हैं। स्टार्ट ऑन सिस्टम स्टार्टअप ये सबसे पहला ऑप्शन है, ये तब होगा जब आपका पीसी बंद हो जाए और आप दोबारा पीसी चलाएंगे तो ये क्लॉक उधर ही दोबारा से शो हो जाएगा। लेकिन आप इनेबल ऑटो अपडेट, ऑटो अपडेट से ये होगा कि आपकी एप्लीकेशन को ऑटो अपडेट करता रहेगा। टाइम फॉर्मेट सिस्टम कस्टम, आप कस्टम भी रख सकते हैं जैसे आवर्स एंड मिनट्स, आवर्स टू मिनट्स, आवर्स मिनट्स। अप्लाई करता हूँ तो ये देखिए आवर्स और मिनट्स आ रहे हैं, आवर्स मिनट्स इस तरह करके। तो मैं इसको अपने सिस्टम पे रखना चाहता हूँ। स्पेस बिटवीन डिजिट्स, स्पेस बिटवीन डिजिट्स, इससे आपके डिजिट्स के दरमियान स्पेस आएगी। देखें अगर मैं कम करूँगा तो खुला नहीं होगा, थोड़ा तंग तंग होगा, और मैं इसको जब ज़्यादा बढ़ाऊँगा तो ये खुला होगा। देखें आपको दिख रहा होगा, ये देखें सही तरह। तो यकीन है आपको इसकी भी समझ लगी होगी। ऑटो अपडेट चेक फॉर अपडेट्स एवरी डे एवरी 3 डेज, ये आपकी अपडेट्स चेक करते रहेगा, 1 दिन बाद, 3 दिन बाद, 1 हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद, इस तरह करके आप चेक कर सकते हैं। मैं 1 वीक रख देता हूँ। चेक फॉर बेटा रिलीजेस चेक ना हो, ये आप खुद ही करेंगे, ये आपकी मर्ज़ी आप करें ना करें चेक कर इसको। अनेबल क्लॉक यूआरएल, आप इसका यूआरएल भी सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से। देखें आप किसी को देना चाहते हैं आप यहाँ से सिंपली इसको हाईलाइट करें कंट्रोल सी या इसके ऊपर राइट क्लिक करके कॉपी करके अपने दोस्त को देना। मैं इसको डिसेबल कर, शो डिस्प्ले शो हाइड मेन्यू आइटम, यहाँ पे वो आपको शो हाइड मेन्यू आइटम दे देगा। आप इसको इनेबल करना चाहें तो आप कर सकते हैं। डिस्प्ले ये आपको डिस्प्ले टाइम इन अनदर टाइम जोन, इस पे अगर आप क्लिक करके आपने किसी मुल्क का रखना चाहते हैं, जैसे कि आप जिस मुल्क में अगर आप उसका रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं। अब ये देखिए मैंने जैसे कि एशिया कराची पे रखा हुआ था, आप लोग चाहें तो किसी पर भी रख सकते हैं। देखिए मैंने कराची पे रखा हुआ था एशिया कराची एंड ओके मैंने दबा दी, अभी नहीं दबाऊंगा मैं। शो क्लॉक इन फुल स्क्रीन मोड ऑप्शन मिल जाते हैं इसको मतलब के मॉडिफाई करने के लिए, इसको मॉडिफाई करने के लिए एक्सपेरिमेंटल में आपको और ज़्यादा ऑप्शंस मिल जाते हैं, फंक्शंस मिल जाते हैं, तो ये आप खुद ही देख के मतलब के इसको ऐड कर सकते हैं। सो आई होप आपको इसके बारे में पूरी समझ लग गई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, अगर सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।